टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टोरंट के अधिकारी लोगों को डराने के लिए मैंने खासदार साहब ने का नाम लिया। जब आपके वरिष्ठ ने वो चीज कहा नहीं था तो आपने कैसे कह दिया? मेरे लफ्ज में जज्बातों में आकर ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो सच थी वो सामने आ गई। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें, पिछले दिनों टोरेंट पावर ऑफिस पर शिवसेना के पूर्व नगर सेवक बाला साहब काकड़े मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। दरअसल टोरेंट पावर की शिकायत लेकर गए थे। उस दौरान उन्होंने टोरेंट को सपोर्ट करने की बात कही थी अपने वरिष्ठों के कहने के बाद। लेकिन आज फिर बाला साहब काकड़े यहाँ हमसे संपर्क किए और बातचीत करने के लिए हमें बुलाया है और टोरेंट पावर के खिलाफ वो आने वाले दिनों में खासदार श्रीकांत शिंदे के साथ खुद जाकर मेमोरेंडम देने वाले हैं। दरअसल आज यहाँ पर पूर्व नगर सेवक शिवसेना के बाला साहब काकड़े यहाँ पर है और उनके साथ में जो शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता हैं, आरिफ हाशमी, शदाब और इमरान भाई, ऐसे ये तमाम शिवसेना के लोग हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। बाला साहब काकड़े, आपका एक वीडियो क्लिप जो है काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आप ये कहते हुए देखे जा सकते थे कि अपने वरिष्ठ के कहने पर आपने टोरेंट पावर का सपोर्ट किया, 500 लोगों को आप पीछे लेकर चले गए कहने पर काफ़ी जो है आपकी ये क्लिप वायरल हुई और ऐसे तमाम सवाल उठने लगे कि शिवसेना ने जो है टोरेंट पावर को सपोर्ट किया, वो भी उस वक्त जब सभी दल जो है इसका विरोध कर रहे थे, टोरेंट पावर के खिलाफ थे, ऐसे में आप लोग उनका समर्थन कर रहे थे। देखिए, 26/11/2021 को मैं टोरेंट के खिलाफ निवेदन देने गया था। मेरे सभी शिवसेना के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद थे और उसी वक्त टोरेंट के अधिकारी लोगों को डराने के लिए मैंने खासदार साहब ने का नाम लिया और कहा कि खासदार साहब ने 500 लोगों का मोर्चा रुकवा दो और टोरेंट को मदद करने का है। ऐसा मैंने मेरे लफ्ज में जज्बातों में आकर अधिकारी लोगों को डराने के लिए बोला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब पूरे जनते के साथ में है, जनते के लिए हमको हमेशा कहते हैं, जनते के लिए कुछ भी काम करो वो चलेगा। इसलिए मैं ये स्पष्टीकरण आज दे रहा हूँ कि खासदार साहब ने उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहा था। फिर से वही कहता हूँ कि खासदार साहब का उसमें कोई रोल नहीं था। मैं जज्बातों में आकर ये बोल दिया था कि खासदार साहब ने बोला, लेकिन खासदार साहब ने कुछ बोला नहीं था। माननीय खासदार साहब और शिवसेना, पूरी शिवसेना की टीम मुंब्रा के जनते के साथ, पूरे कलवा मुंब्रा विधानसभा के जनते के साथ में है और साथ में रहेगी। और इसके बावजूद भी अगर टोरेंट कंपनी मुंब्रा के और कलवा के नागरिकों को अगर तकलीफ देती है तो उसके खिलाफ हम लोग जरूर आंदोलन करेंगे और वो भी शिवसेना स्टाइल से। आप कह रहे हैं कि जज्बात में आकर आपने कह दिया था, आप जिस चीज़ का समर्थन करेंगे तो वो चीज़ आपसे डरेगी क्यों? देखिए, और जब आपके वरिष्ठ ने वो चीज़ कहा नहीं था तो आपने कैसे कह दिया? यही मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, क्योंकि अधिकारी टोरंट के वहाँ पे खड़े थे और अगर खासदार साहब का नाम लेंगे तो अधिकारी डर जाएंगे। इसलिए मैं खासदार साहब का नाम बीच में लिया था, लेकिन खासदार साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन आपको सोचना चाहिए ना कि जब हम उन्हीं के साथ में हैं तो हमसे क्यों डरेंगे? हाँ, इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, हम लोग टोरंट के खिलाफ में है, खिलाफ में थे और इसीलिए तो हम निवेदन देने गए थे। ये बात कहते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं तो हो सकता वो डरते, लेकिन आप तो समर्थन कर दिए तो फिर क्या डरेंगे? वही आपको यही कह रहा हूँ बार बार कि मैं एक जज्बा तुम्हें आके मुझे ऐसा लगा कि खासदार साहब का अगर नाम लेंगे तो थोड़ा सा पब्लिक को रिलीफ देंगे, पब्लिक में इसके साथ में रहेंगे और पब्लिक को तकलीफ नहीं देंगे। अगर मेरा कुछ गलत हुआ रहेगा उस वक्त लोगों का तो ये भी कहना, आप भले सफाई दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि हम जज्बात में आ गए थे, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो सच थी वो सामने आ गई। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। आपको इसीलिए तो यहाँ पे स्पष्टीकरण देने आया हूँ मैं। पूरे कलवा मुंब्रा के जनते के साथ में अगर इसके बाद में टोरेंट पावर कंपनी अगर तकलीफ देती रहेगी तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि टोरेंट के खिलाफ हम लोग जरूर आंदोलन करेंगे। पूरा अभी आपने कहा कि खासदार के साथ आप जाकर जो है मुलाकात करेंगे टोरेंट पावर के अधिकारियों से और मेमोरेंडम, यही तो खासदार साहब हमारे वरिष्ठ है और यहाँ के सांसद है,
उनसे सलाह मसलत तो हमको करनी पड़ेगी, और वो जैसे कहेंगे जनता के साथ में जाना है वो तो जाना है, हम जाएंगे, लेकिन उनका सलाह तो लेना जरूरी है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो टोरेंट पावर के खिलाफ मेमोरेंडम देने के लिए शिवसेना के पूर्व नगर सेवक बाला साहब काकड़े और जो कार्यकर्ता है शादाब शेख, ये लोग गए हुए थे, और उस वक्त इन लोगों ने जो बात वहाँ पर कही थी आज उसी का स्पष्टीकरण इन्होंने दिया। बाला साहब काकड़े का कहना है कि उन्होंने जज्बात में आकर ये बात बोल दी थी, और ऐसी कोई भी बात जो है खासदार श्रीकांत शिंदे ने इनसे नहीं कही थी। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबई।